अभी कल कैमूर जिला की एक सिपाही वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, महिला सिपाही है, तो वो छुट्टियों में अपने घर पे हम बेगूसराय आई हुई थी, उसके पश्चात यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कैमूर गई थी। तो अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, उसको संक्रमण यहाँ से पहले से था कि कैमूर में हुआ है, तो हम लोग प्रिकॉशनरी रूप से उसके घर के सभी 10 व्यक्तियों का सैंपल लिया जा चुका है, उसको जांच के लिए पटना भेजा गया है। साथ ही साथ उसके फादर यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में होमगार्ड के जवान थे, तो उनके संपर्क में भी जितने अन्य होमगार्ड आए थे उनका भी सैंपल लिया गया है और उसको भी हम लोग जांच के लिए भेजे हैं। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी कर रहे हैं, क्योंकि अगर बेगूसराय से संक्रमण लिया होगा ताकि जितने भी लोग उनके कॉन्टैक्ट में आए हैं सभी लोगों की हम लोग जाँच करा सकें। और साथ ही साथ एहतियाती तौर पे हम लोगों ने उनके गांव है, जो घर है, उसके अराउंड का एरिया को अभी एक्टिव सर्विलेंस में हम लोग ले रहे हैं। जब तक चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती हैं उनको संक्रमण कहाँ से आया था, तब तक हम लोग पूरा जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। और इसमें बेगूसराय के निवासियों को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोगों से मैं पुनः अपील करता हूँ कि लॉकडाउन की अवधि में इसके नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, और कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो स्वयं ही उसकी सूचना आप लोग प्रशासन को दें और स्वास्थ्य विभाग को दें, ताकि हम लोग उनको स्कूल क्वारंटाइन में रख के उसके स्वास्थ्य की निगरानी रख सकें। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का सर्दी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ, कोई भी सिम्टम्स अगर आता है तो वो तुरंत ही प्रशासन को सूचित करें, ताकि हम लोग प्रिकॉशनरी रूप से सैंपल लेके उसको जाँच के लिए भेज सकें। आप लोग अगर बेगूसराय जिला के सभी निवासी स्वयं ही इस मामले में प्रशासन का सहयोग करेंगे, किसी को सिम्टम आएगा आपको कोई कष्ट नहीं होगा, सिम्टम रहेगा आप सूचित करें, हम लोग आपका सैंपल लेके जांच के लिए भेज देंगे, और इसमें किसी तरीके का आप लोग तकलीफ भी नहीं होंगी, आपको बस रिजल्ट आने तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। तो प्रशासन का इसमें सहयोग करें ताकि हम लोग कोरोना की इस जंग को जीत सकें। थैंक यू।